गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान के अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है संसद। हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, आज बात करते हैं संसद। कितने भाग होते हैं? दो भाग। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। नाम से स्पष्ट है, लोकसभा यानी जनता की सभा और राज्यसभा यानी राज्यों की सभा। कब इसका पहली बार संसद का गठन हुआ? पहली बार कब हुआ? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को पहली बार संसद का गठन हुआ लोकसभा और राज्यसभा का। तो लोग इसमें अध्यक्ष होते हैं। हम बात करते हैं पहले लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष जो पहली बार बने थे कौन थे? गणेश मालवंकर। कौन थे? गणेश मालवंकर, जो 13 मई 1952 को लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शायनम। एम अनंत शायनम कौन थे? पहली लोकसभा के क्या थे? उपाध्यक्ष। गणेश मालवंकर कौन थे? पहली लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। जो राज्यसभा में अध्यक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभापति। और सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो होते हैं सभापति राज्यसभा के। राज्यसभा कौन थे पहले देश के? एस राधा कृष्णन। कौन थे? एस राधा कृष्णन। और उपसभापति कौन थे? उपसभापति कौन थे देश के पहले? एस एन कृष्णमूर्ति। एस एन कृष्ण मूर्ति। ये तो थे पहले लोकसभा, पहले राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति। बताया गया पहली बार का गठन हुआ था संसद का 13 मई 1952। अब हम बात करते हैं वर्तमान में। हम बात करते हैं अब वर्तमान के अंदर। पहले बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की। और लोकसभा होती क्या है? लोकसभा होती है हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल और ही होती है हाउस ऑफ स्टेट। मतलब ये राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और ये आम जनता का। इनके चुने जाने वाले प्रतिनिधियों को हम क्या कहते हैं? एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिनको हम बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं क्या होते हैं? एमपी यानी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बात करते हैं इनकी संख्या की। इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोनों शब्दों में इनकी संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य कितने होते हैं? 552। टोटल सदस्य कितने हैं? 552। इसको किस प्रकार विभाजित किया जाता है? 530 प्लस 20 प्लस 2 मिला के कितने हो गए? 552। 530 कहां से आते हैं? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व। 20 रखते हैं संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व। और ये दो कहां से आते हैं? इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। दो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 20 सदस्य कहां से? संघ शासित प्रदेश से। और 530 किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल।
545 है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं 545। अब बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसे समय से पूर्व भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यह क्या है? एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके नाम सदस्य 1/3 यानी 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद स्वतः ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसीलिए इसका कभी रिटर्न नहीं होता, ये लगातार चलती रहती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की। राज्यसभा के सदस्यों की तो बता सकते हैं आप में से कितने सदस्य होते हैं? चलिए मैं बताता हूं। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य। कितने होते हैं? 250। इनका डिवाइडेशन कैसे होता है? 238 प्लस 12। 238 कहां से आते हैं? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश से। बाकी 12 कहां से आते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं इनको। राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। कहां से करता है? कला, विज्ञान, खेल, साहित्य के क्षेत्र से। साहित्य के क्षेत्र से बताया तो लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? 250। 238 कहां से आते हैं? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से। और 12 कहां से आते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कहां से करता है? कला, विज्ञान, खेल व साहित्य के क्षेत्र से। अब हम बात करते हैं वर्तमान अध्यक्षों की कि लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है और राज्यसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बात करते हैं लोकसभा की, तो वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला। ये कोटा राजस्थान के एमपी हैं और इनको वर्तमान में क्या बनाया गया है? लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा में वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी विपक्ष में इतनी संख्या ही नहीं है कि अपने कांग्रेस के उपाध्यक्ष बना सके। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं या सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, कौन है? वेंकैया नायडू। और राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण ये तो है बीजेपी से और ये है जनता दल यूनाइटेड से। हमने आज संसद की बात की, लोकसभा राज्यसभा की बात की, इसके प्राचीन अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्षों की बात की, इनके सदस्यों की बात की। आगामी क्लास में इनके कार्यकाल की भी बात करेंगे। धन्यवाद।